हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसको आपने शायद ही पहले कभी बनाते हुए देखा होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर बनाने की रेसिपी। इसको हमने घर में एकदम आसान तरीके से बिना मशीन के, बिना किसी ज़्यादा प्रोसेस किए हुए बनाकर तैयार किया है, जो कि एकदम ही आसान रेसिपी है और आपके बहुत ज़्यादा काम की रेसिपी है। मिल्क पाउडर बनाने की मशीन जो है बहुत ज़्यादा महंगी आती है, इसलिए हम उसको ले नहीं पाते। और इसको हमने आज इतना आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है कि आप भी इसको चुटकियों में बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बनता है और आप इसको एक बार बनाकर रख ले तो महीने से दो महीने तक भी इसका इस्तेमाल आप घर में कर सकते हो। तो चलिए इसको बना लेते हैं। मिल्क पाउडर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसमें हमें फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करना है। अब इसको हम गर्म होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हम पूरा दूध डाल लेंगे और इसको हम जब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसके अंदर एकदम अच्छे से बॉयल आ जाए। उसके बाद में मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब गैस का फ्लेम फुल करके इसको हम उबाल लेंगे। जब तक दूध के अंदर उबाल आएगा गैस का फ्लेम फुल रखेंगे और जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा इस तरह से, तो हम गैस का फ्लेम जो है लो मीडियम करके इसको हमें गाढ़ा होने तक ऐसे ही बॉईल होने देना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं चलाना है चम्मच से बार बार, बस हल्का सा इसको जब चलाएंगे जब इसके चारों तरफ से इस तरह से मलाई इकट्ठी हो जाती है इसके ऊपर से, तो मलाई को हम हटा देंगे और इसको एकदम हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से इसके किनारे पे से मलाई हटा देंगे। इसके अंदर ज़्यादा जो है खुरचन के निशान नहीं होने चाहिए, जैसे किनारों के चारों तरफ मलाई चिपकने लग जाती है, तो उसको हमें बार बार नहीं छुटाना है। उसको दूध को ऐसे ही गाढ़ा होने देंगे, एकदम हल्के हल्के हाथों से इसकी मलाई छुटाएंगे। इसमें जो ज़्यादा ब्राउन वाला भाग होता है वो हम नहीं डालेंगे, एकदम हल्के हल्के हाथों से छुटा कर इसी तरीके से हमें इसको गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दूध जो है एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब यहीं पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा हमें नहीं करना है। अब इसके बाद में हम कोई भी प्लेट ले लेंगे। यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध से मैंने ये तैयार किया है, तो मैं इसको 2 प्लेट में फैला रही हूँ। आप भी इसको 2 से 3 प्लेट में फैलाएं, एकदम पतली पतली लेयर में इसको हमें फैलाना है। ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो इसमें बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको 2 प्लेट में फैला लिया है। अब इसको मैं 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही फैन की हवा में रख दूंगी तो ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। जब ये इस तरह का हो जाएगा सूख कर, तो उसके बाद में हमें एक पलटे की सहायता से इसको इस तरीके से हटाना है। हटाने के बाद में इसको हमें इसी तरीके से पलटे से थोड़ा सा थाली के अंदर फैलाकर वापस से इसको हमें 1 दिन के लिए धूप में रखना होगा। धूप में रखने के बाद ये एकदम सख्त हो जाता है, सूखकर तैयार हो जाता है पीसने के लिए, इतना हमें इसको सुखाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको 6-7 घंटे हमने फैन में सुखाया, उसके बाद में इसको हमने 1 दिन धूप दिखा दिया। अभी धूप बहुत तेज है तो ये जल्दी सूख जाता है। हो सकता है इसको सूखने में 2-4 घंटे का टाइम ज़्यादा या कम लग सकता है। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और साथ में ही हमने यहाँ पे 100 ग्राम शक्कर लगेगी। अगर हम 1 लीटर दूध से बना रहे हैं तो हमने 100 ग्राम शक्कर लेने के बाद में उसको ग्राइंडर जार में डालकर उसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। वैसे इसके अंदर 100 ग्राम शक्कर जो है एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप इसकी मात्रा थोड़ी सी घटा या बढ़ा भी सकते हो। अब इसको पीसने के बाद में हमें इसको छान कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी दाने बचे हों उनको हम अलग से हटा देंगे, वो इसके अंदर हमें नहीं चाहिए। इसमें हमें एकदम फाइन सा पाउडर चाहिए। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे और जो हमने दूध हमारा सुखा कर रखा है उसको पीसने के लिए हम सेम ग्राइंडर जार का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप चाहें तो इसे एक बार में पीस लें या फिर आपको लगे ज़्यादा है तो आप 2 बार में भी इसको एकदम इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि आपको इसको पीसते टाइम ग्राइंडर जार को कंटिन्यू नहीं चलाना है। आप इसको थोड़ी सी देर के लिए चलाएं और फिर आप इसको थोड़ा सा डब्बे को हिला लें ताकि इसके चारों तरफ जो भी पाउडर चिपका है वो इसके अंदर चला जाए, और थोड़ी सी देर रुकने के बाद में आप इसको दोबारा से चलाएं। क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू चलाएंगे तो ये जो है एकदम, मतलब ये थोड़ा सा पतला हो जाता है जो हमें नहीं चाहिए। इसको आप थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर पीसेंगे तो ये एकदम ही बढ़िया सा पीस कर तैयार होगा। ये देखिए इसको हमने पीस लिया है। अब इसको भी हमें छानना है, तो हमने जो शक्कर छानी थी उसी प्लेट में हम इसको छान लेंगे इसी के अंदर इस तरीके से। छानने के बाद में अगर इसमें ज़्यादा से मोटे मोटे पार्ट निकलते हैं तो आप उसको दोबारा पीस लें, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम है इसलिए मैं नहीं पीस रही हूँ। अब हमने शक्कर और जो दूध का पाउडर था उसको दोनों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद में इसको हमें
दोबारा से एक बार और छानना होगा ताकि ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको हम दोबारा छान लेते हैं। दोबारा छानने के बाद में ये एकदम ही जैसे हमारा रेडीमेड मिल्क पाउडर होता है, इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर जो है सेम हो जाता है। बस इसका कलर जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि इसको हमने कढ़ाई में बनाकर तैयार किया है और जो मार्केट वाला मिल्क पाउडर होता है उसको मशीन में बनाकर तैयार किया जाता है, इतना अंतर तो आ ही जाता है। ये एकदम ही प्योर सा बनकर तैयार होता है। आप इसको बनाकर जरूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बनता है। और आप इसको बनाने के बाद में इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर लें और इसको आप फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने के बाद आप इसको 1 से 2 महीने तक आप इसको मिठाई बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, या फिर आपको जैसे भी इसको यूज करना है आप कर सकते हो। ये बिल्कुल ही बढ़िया बना रहता है और यहाँ पे आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये एकदम ही बढ़िया सा मिल्क पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी रहेगी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।